नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। सीएम सिटी करनाल में चल रहे अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति की आमरण अनशन के चलते आज अतिथि अध्यापकों ने सेक्टर 12 में बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति के विभिन्न संगठनों के नेता मौजूद रहे और उन्होंने सरकार से एक मंच पर आकर बात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गेस्ट टीचर को नियमित किए जाने की बात बार बार कह रहे हैं, जो एकदम झूठ है और वह लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। गेस्ट टीचर संघर्ष समिति द्वारा ऐलान किया गया कि अगर अतिथि अध्यापकों को सरकार द्वारा आचार संहिता लगने से पहले नियमित नहीं किया गया तो जिस तरह मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रथ निकाल रहे हैं, उसी तरह अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति भी मुख्यमंत्री के विरोध में एक रथ निकालेगी और भाजपा की जन विरोधी नीतियों का गाँव गाँव और शहर शहर जाकर प्रचार करेगी। गौरतलब है कि अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति द्वारा करनाल में आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसमें दो अध्यापकों की हालत नाजुक बताई गई है। भाई जो बात प्राण बात तू भाई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। फिर भी मैं ये कहता हूँ, बात सुनो मेरी, वो बात ठीक है नहीं, जब आप मेरे बारे में बोलते हो भाई, मेरी भी सुनो, मेरे को बताओ। अरे ये लोग, ये भाई सब बात सुनो मेरी, मैं बिल्कुल स्पष्ट जो बात होगी वो उसको कहूंगा भाई, चाहे जो मर्जी बोलो भाई। जो जो लोग जो है, जो लोग एक बात भाई यहाँ तो ये कह रहे गेस्ट टीचर को नहीं हटने दिया जाएगा, अब वो आ जाके ये कहते गेस्ट टीचर के खिलाफ ट्रांसफर कर दो, ये कोई बात हुई है? तो आपको सोचना समझना रखना पड़ेगा भाई। देखो इस तरह से जो है ना, मैं कभी जैसे आप लोग करते हैं या कुछ लोग बोलते हैं, देखो इससे मुझे इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब मैं सुनता हूँ तो मैं सुनाऊंगा भी, या तो आप मेरी बात पर सुनो, जब मैं आपकी सुनता हूँ मैं नहीं सुनता हूँ फेसबुक पे जो लोग बोलते हैं मेरे खिलाफ, मेरे को नहीं गाली देते, देते हैं ना गाली, मेरे को नहीं गाली दी, मेरे सारे मैं जितने जितना हमने काम किया लोगों ने उस पर थूक दिया था कि नहीं थूक दिया, 8 साल के संघर्ष को। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।